अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग और आज है तारीख है 13 जनवरी 2023 और सुबह की 8:30 बज चुकी है और हम निकल चुके हैं हमारे डेली हसल के लिए। मतलब मैं आधे घंटे से तो सिर्फ घूम ही रहा हूँ, मालूम नहीं क्यों कभी कभी खो भी जाता हूँ मैं। खोना मुझे खोना नहीं पसंद है, हाँ, बट मैं कभी कभी खो जाता हूँ। लोगों को भी कभी कभी देखता हूँ क्यों खो गए हो, मतलब हैंग और स्टक हो जाना एक जगह पे वो ज़रा भी पसंद नहीं है अपने को। ऐसा है क्योंकि हर कोई जन एक गुजरता है एक पीरियड से कि वहाँ पर वो स्टक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। बट भाई यू हैव टू किक स्टार्ट योर सेल्फ, एक लात तो मारनी पड़ेगी। अगर एक लात नहीं मारी तो वहीं के वहीं अटक जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी मतलब ऐसा तुम सिर्फ एक जिस्म बन जाओगे, एक बदन बन जाओगे और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है काम करने के लिए। मतलब तुम समझ लो कि सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे हो, काट रहे हो ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को काट के मतलब नहीं है, जियो। हाँ, मेक इट बिगर, मेक्स टारगेट्स लगाओ। हाँ, स्टक होना और वो सब कोई वो नहीं है, एक जगह पे अटक जाना और खुद को डीमोटिवेट कर लेना, भाई अब मेरे से कुछ नहीं होएगा। और ये क्या अंदर के नर्व्स और ये सब माइंड अपने लगे हुए साथ में, तो वो भी अपने को डीमोटिवेट करते ही है। अब क्या होगा, क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो अपने आप को थोड़ा उभारो, उस चीज़ से उभारनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसा है, होता है कभी कभी यू गॉट स्टक। हाँ, मतलब आप अटक जाते हो, आप देखते हो। हाँ, कभी कभी आप खुद को समझते हो कि नहीं बस न्यू प्लेयर्स आर कम, दे आर प्लेइंग वेल, सो आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा है तो ऐसा नहीं है, यू आर द मेकर। मतलब अगर आपने कुछ बनाया है तो यू आर, समझ लो कि आप वो हो, वहाँ के किंग हो, शेर हो। हाँ, एंड यू हैव टू बिहेव लाइक दैट ओनली। हाँ, तुम सोचोगे नहीं भाई बस अब ख़त्म, तो ऐसा नहीं होता भैया। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें थोड़ी अलग है, इसको समझो और करो ऐसा। हाँ, खुद को डीमोटिवेट मत करो कभी भी, मोटिवेशन के साथ चलते रहो। मोटिवेशन इज नेसेसरी, ऐसा है। अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करो, आपके पास आएगी मायूसी आएगी, ये शैतान की चाल है आपको मायूस करने के लिए, समझ रहे हैं? आप अच्छा भी कर रहे रहेंगे ना, हाँ बोले छोड़ो यार, बोले क्या करना है ऐसा, तो वो सब चीज़ें क्या है कि ख़त्म है कहानी। तो वो सब छोड़ो यार वाला सिस्टम छोड़ दो और लगे रहो। हाँ भाई, नहीं अपने को करना है ऐसा है। कभी कभी हालात भी ऐसे बन जाते हैं कि आदमी मायूस हो जाता है, बोले अब क्या होगी हमसे, एक्सरसाइज बोले क्या है छोड़ दो, बोले अब क्या हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा हो जाता है, आदमी डीमोटिवेट हो जाता है। एक नमाज़ छूट गई, समझ लो बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी की एक नमाज़ छूट गई, तो आदमी अपने आप को डीमोटिवेट कर लेता है। तो डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आप मोटिवेटेड रहो हमेशा, समझ रहे? मतलब छूट गई ना, एक छूट गई, चलो वांदा नहीं, बोले अब अपने जोहर की छुट्टी ना अब असर कर लेंगे, बोले फजर की छूट गई तो जोहर पढ़ लेंगे, पर पढ़ो ऐसा है। कभी छोड़ो मत, कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि शैतान और नफ्स एक ही है, ये लोग आपको पीछे करने की चक्कर में है हमेशा। हाँ, आप आगे बढ़ोगे, ये नए नए कुछ ना कुछ पैतरे लगा के आपको पीछे करने की कोशिश है और इनकी संघर्ष यही है, बट यू हैव टू स्ट्रगल। ये दिखते नहीं, ये आपके दुश्मन है, ये आपको दिखेगे नहीं, ये अंदर के दुश्मन है ऐसा, समझ रहे? तो इन दुश्मनों से लड़ना, हाँ ये दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, इनसे लड़ना बहुत मैंडेटरी है भैया, इनसे लड़ना बहुत ही मैंडेटरी है, तो लड़ो। कहने का मतलब इनसे लड़ो और डरो नहीं और घबराओ नहीं और खुद को मायूस ना करो कभी ना कभी, ऐसा है। मायूसी से कोई फ़ायदा नहीं है भैया, अब मायूस हो गए कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते रहो। हाँ,
जो मायूस हो गया वो ख़त्म है कहानी फिर, ऐसा समझ रहे। तो अपने आप को मायूस ना करो और आगे बढ़ते रहो और ज़िंदगी जीते रहो। अस्सलामुअलैकुम।